जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की एबीसीडी क्या है? योगी सरकार ने कौन सी एबीसीडी की पढ़ाई पूरी की? चलिए आज हम आपको डिटेल बताते हैं। ए फॉर एंगर, किसी को भी गाली दे देना, मीटिंग में अधिकारियों को भला बुरा कह देना, नौकरी से निकालने की धमकी दे देना। बी फॉर बुलडोजर, जो अयोध्या में चला, हिंदू वाला प्रोपेगेंडा चलाने के चक्कर में अयोध्या में गरीब आदमी के घर पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया, वो भी तब जब 4 साल का एक मासूम उस घर में सो रहा था, बुलडोजर ने उसे भी उठाकर फेंक दिया। सी फॉर क्राइम, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मर्डर, रेप, दलितों पर अत्याचार, महिलाओं पर जुल्म के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ कुछ घंटे पहले आई एनसीआरबी की रिपोर्ट योगी सरकार के चेहरे से नकाब उतार कर फेंक देती है। डी फॉर डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, नामांकन करने जा रही महिला का लखीमपुर खीरी में चीरहरण हुआ, पुलिस देखती रह गई, सरकार मौन होकर अपने गुंडों को शह देती रही, नौकरी मांगने वालों को लाठी से पीटा गया, फर्जी गिरफ्तारियां हुई और फर्जी एनकाउंटर का दौर चरम पर रहा। हाथरस में एक बेटी को रातों रात चला दिया गया और मीडिया कवरेज करने गए लोगों को रोका गया ताकि सच सामने ना आ सके। विरोधियों की आवाज दबाने की कोशिश हुई, कभी अखिलेश यादव तो कभी प्रियंका गांधी और कभी राहुल गांधी। इस सरकार के ऑर्डर पर धक्का मुक्की तक की गई, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में क्या हुआ लोगों ने इसे भी बखूबी देखा। इटावा में सिटी एसपी को सरेआम थप्पड़ मारने वालों की पांव पूजाई हुई, काकादेव थाने के हिस्ट्री शीटर के पांव पूजे गए और उसे बीजेपी में अधिकारी बना दिया गया था। एक हिस्ट्री शीटर को थाने से ही बीजेपी नेताओं ने भगा दिया, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ई फॉर ईगो, ये सरकार अपने ईगो यानी अहंकार में आकर काम करती रही, इसके एक तो नहीं सैकड़ों उदाहरण दर्ज है। पत्रकारों को गाली दी गई, उन पर फर्जी मुकदमे लादे गए, जिसने भी योगी सरकार के खिलाफ जुबान खोली वो जेल पहुंच गया। आजम खान जैसे लोगों पर झूठे मुकदमे लादकर उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की गई, मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद, योगी को जिससे भी बैर था उन्होंने सिर्फ अपने ईगो को संतुष्ट किया। अधिकारी वर्ग में भी जिसने यूपी सरकार के खिलाफ मुंह खोला या योगी को जवाब देने की कोशिश की, उसे या तो जबरिया रिटायर कर दिया गया या अहंकार में आकर सीएम ने उसका तबादला कर दिया या उसका पेंशन भत्ता रोक दिया गया। याद है ना गौतम बुद्ध नगर के डीएम, जिन्होंने कोरोना के बीच मीटिंग में सच बोल दिया तो योगी ने कुछ ही घंटे के भीतर उनका तबादला करवा दिया। अमिताभ ठाकुर ने योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो उन्हें पहले घर में नजरबंद करवाया गया, फिर जेल में ठूस दिया गया। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह पर कई फर्जी मुकदमे ला दिए गए, उनके भत्ते और पेंशन तक रोक दिए गए ताकि ये सारे लोग डर जाएं और कभी सरकार की सच्चाई लोगों को ना बता पाए। एफ फॉर फेक प्रॉमिसेस, यानी झूठा वादा, इसमें तो योगी सरकार मास्टर रही। किसानों की आमदनी को लेकर झूठ बोला, नौकरी को लेकर झूठ बोला, कोरोना काल में ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा ये तक झूठ बोला, आंकड़े छुपाए गए, गंगा में तैरती लाशों पर झूठ बोला, एक्सप्रेसवे पर झूठ बोला, सच से सरकार का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। अखिलेश यादव के काम का फीता काटते रहे योगी आदित्यनाथ और खुद का झूठा प्रचार करते रहे। जी फॉर गब्बर गवर्नमेंट, मतलब हटी सरकार, जो बदले की भावना से कार्रवाई करती है और खुद का चेहरा चमकाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, जैसे बंगाल का पुल चुराया, बंगाल का होटल चुराया और अमेरिका की फैक्ट्री की तस्वीरें चुराकर उसे उत्तर प्रदेश के विकास की तस्वीर बता दी। दुनिया हंस रही थी इस चोरी पर, लेकिन सरकार के अधिकारियों और खुद सरकार में जरा भी शर्म नहीं था, जो कम से कम इस पर सफाई ही दे देती, किस मुंह से सफाई देती। खैर, योगी सरकार की एबीसीडी का पार्ट 2 भी जल्द आपके सामने होगा।